Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to discuss a new topic, that is guiding value of Indian Constitution. तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको गाइड कौन कर रहा था. गाइड करने का मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, राइट. ये सारी चीजें कहां से आ रही थी. देखो, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, राइट, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, राइट और नॉट. कब से स्टार्ट हो चुका था, अगर आप देखो तो 1857 से ही स्टार्ट हो गया था. फ्रॉम 1857, राइट, देयर वाज मेनी लीडर्स, राइट, हु टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, और हर एक लीडर्स का आइडिया अलग अलग था. 1915 में कौन आए, महात्मा गांधी भारत आए, राइट. जब ये महात्मा गांधी भारत आए उस समय और भी कई सारे प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, है ना. तो जब भी ये लोग रैली करते थे, जब भी ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्राइक करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते थे लोगों से, है ना, कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमारा देश कैसा होगा. जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो सभी लोगों को खाना मिलेगा, सभी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जाएगा. जब हमारा देश आजाद हो जाएगा सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा, सभी लोगों के पास फ्रीडम होगी, राइट. तो ये सारी बातें ये जो लीडर्स थे वो करते थे लोगों के साथ, राइट. तो अगर ये सारी बातें वो लोग पहले से करते थे तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स होंगे, जो बना रहे होंगे, मेकर्स जो होंगे, क्या वो लोग नहीं चाहते होंगे कि ये सारी बातें जो कि हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल की है लोगों के साथ उसको इंक्लूड किया जाए. यस, वो चाहते होंगे, राइट और नॉट. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात का ध्यान रखा कि जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या प्रॉमिस किए हैं लोगों से, राइट. ऑब्वियस सी बात है, जो लीडर्स थे उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था वो डेमोक्रेटिक था, राइट और नॉट. हमारे कंट्री का डेमोक्रेटिक वैल्यू था, लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए थी, राइट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या विजन था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ आप जान सकते हो बाय रीडिंग द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा, हमें प्रियम्बल से पता चलेगा. ये प्रियम्बल क्या होता है, हर एक बुक के पहले पेज, राइट, ठीक है. आप कोई भी बुक लो, आप देखना पहला पेज जो होता है वो उस बुक के बारे में होता है, इस बुक में क्या है, कैसे पढ़ना है इसको, कैसे इसका यूटिलाइज करना है. वो जो पहला पेज होता है हम उसको प्रीफेस के नाम से जानते हैं इन द बुक, राइट. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो भी कुछ इस तरह के प्रीफेस से स्टार्ट होता है, और इस प्रीफेस को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल. क्या बोलते हैं, प्रियम्बल, राइट. ओके, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस प्रियम्बल को बना रहे थे तो कई सारे मेंबर्स थे जो महात्मा गांधी की बातों को भी ध्यान में रखे थे, राइट. हालांकि महात्मा गांधी वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो ये 299 मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, राइट. सो रिमेंबर दिस, महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, राइट. लेकिन महात्मा गांधी के आइडिया से कई सारे लोग इन्फ्लुएंस थे. ये जो 299 मेंबर्स हैं, कई सारे लोग क्या थे, महात्मा गांधी के आइडिया को अप्रिसिएट करते थे, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इन महात्मा गांधी के आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, राइट. तो देखो, फॉर एग्जांपल, इयर्स अगो राइटिंग इन हिज यंग मैगजीन, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था. यंग इंडिया वॉज अ मैगजीन रिटन बाय महात्मा गांधी. 1931 में उन्होंने लिखा था कि वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, ठीक है. तो
कई सारे लीडर्स ने उनके बातों को माना भी था, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स थे जो उनके उनसे डिफरेंस रखते थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी को और उनके विजन को, राइट? कैसे करते थे हम उसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या बोला है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, वो हम देखेंगे, राइट? यहाँ पर देखो, आई एम रीडिंग जस्ट लाइन बाय लाइन। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहूंगा विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडम, राइट, जो इंडिया को हर एक तरह के स्लेवरी से मुक्त करे। थ्रेलडम का मतलब होता है स्लेवरी, राइट? स्लेवरी मतलब गुलामी, राइट? एंड पैट्रनेज, पैट्रनेज का मतलब होता है गार्जियनशिप। तो हमारा गार्जियन कौन था आजादी से पहले? अंग्रेज थे, राइट और नॉट? आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द यंगेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री, ठीक है? सो एक ऐसा कंट्री मैं बनाना चाहता हूं जहां पर पुअरेस्ट है, ठीक है, पुअर पर्सन। एक ऐसा कंट्री बनाना चाहता हूं जहां पर कि जो लोग सबसे गरीब है, सबसे गरीब लोग भी को ऐसा महसूस हो कि ये उसका कंट्री, राइट? देन एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल। एक ऐसा कंट्री जहां पर कि ना तो कोई हाई क्लास पीपल हो ना ही कोई लो क्लास पीपल हो। एन इंडिया विच ऑल कम्युनिटी शैल हैव लिव इन परफेक्ट हार्मनी, ठीक है, एक ऐसा कंट्री जहां पर कि सभी लोग परफेक्टली हार्मनी में रहे, मतलब पीसफुली रहे, है ना? देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। एक ऐसा कंट्री जहां पर कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल ना हो, राइट और नॉट? ना ही किसी तरह का लोग अल्कोहल ले, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ले, राइट, या कोई ड्रग्स ले, ठीक है? जो वुमेन है हमारे कंट्री का, उसके पास भी सेम राइट हो जैसा कि मेन के पास है, ठीक है? आई शैल बी सेटिस्फाई विथ नथिंग एल्स, इसके अलावा, ठीक है, ये सब कुछ मुझे चाहिए, ठीक है, अगर इसमें से एक भी छूट गया तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, राइट? तो ये महात्मा गांधी का मानना था। तो महात्मा गांधी का क्या कहना था कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए जहां पर कि स्लेवरी ना हो, ठीक है, जो पुअरेस्ट पीपल है वो भी, उसको भी लगे कि ये हमारा कंट्री है, लोगों के बीच हार्मनी हो, अनटचेबिलिटी ना हो, ठीक है, कोई किसी तरह का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स ना ले, वुमेन को जो है मेन के बराबर ही राइट मिले, ठीक है? तो ये सारा चीजें महात्मा गांधी चाहते थे, राइट? अब हम आते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी शेयर किया था कि वो कैसा कंट्री चाहते हैं, राइट? एंड कंट्री में क्या खामी है, ये भीमराव अंबेडकर ने बोला था। तो यू कैन लुक एट हियर, ऑन 26th जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा, ठीक है, तो हम एक ऐसे एरा में जब पहुंच रहे हैं जहां पर कि कंट्राडिक्शंस हैं। कंट्राडिक्शंस मतलब, अब देखो क्या बोलता है कि भीमराव अंबेडकर क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में इक्वालिटी मिल गई, वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, ठीक है, बट इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ, सोशल मतलब सोसाइटी में, सोसाइटी, सोशल इक्वालिटी का मतलब सोसाइटी में लोअर कास्ट अपर कास्ट अनटचेबिलिटी है ना, इकोनॉमिक लाइफ मतलब कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, तो क्या इक्वालिटी है हमारे सोसाइटी में? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है? नहीं है। हर एक लोगों के पास वोटिंग राइट है तो सभी लोग पॉलिटिकली इक्वल हुए, राइट और नॉट? हर एक लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है, दे आर इक्वल, बट क्या लोग सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वल हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे कंट्री में अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं होते, राइट और नॉट? हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी नहीं होता, ठीक है? अगर इकोनॉमिकली भी सभी लोग इक्वल होते तो क्या होता? हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग, एक ऐसा नहीं होता कि एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है और दूसरा बहुत गरीब है, राइट और नॉट? तो उन्होंने क्या, उनका क्या कहना था
कि हम पॉलिटिकली इक्वल हो जाएंगे, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में ठीक है हम इन इक्वल रहेंगे, हमारे कंट्री में लोग इन इक्वल रहेंगे। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, पॉलिटिक्स में हम सभी लोग को क्या कर रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि हर एक लोगों के पास एक वोट होगा और उसका एक वैल्यू होगा, है ना। लेकिन इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। ठीक है, तो उनका कहना था कि लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ये डिनाई कर रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं, एक हर एक आदमी का वैल्यू एक जैसा नहीं है हमारे सोसाइटी में, है ना। कुछ लोग को लगता है कि हम बहुत अपर कास्ट से हैं, कुछ लोग को लगता है लोअर कास्ट से हैं, कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, एक्चुअली वो लोग अमीर हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ दोनों इक्वल, लोग इक्वल नहीं है, राइट। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, कब तक हम इस तरह के कंट्राडिक्शन में जिएंगे कि एक तरफ हमें पॉलिटिकली इक्वालिटी मिल रही है और दूसरी तरफ सोशली और इकोनॉमिकली इक्वालिटी नहीं मिल रही है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाय इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इफ वी कंटिन्यू टू डिनाय इट ऑल फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। तो इनका मानना था कि अगर हम लोगों को सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो भी खत्म हो जाए, राइट। तीन तरह की इक्वालिटी की यहां पर बात की गई है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा सोशल, और तीसरा इकोनॉमिक। भीमराव अंबेडकर जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन सोशली एंड इकोनॉमिकली इनइक्वल है, राइट। तो उनका कहना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के बीच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि लोग सोशल और इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है। अगर हम उसको सोसाइटी में इक्वल प्लेस नहीं देंगे, उनके पास एक इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम नहीं होगा, तो क्या होगा, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये भी क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई भीमराव अंबेडकर वांटेड टू गिव रिजर्वेशन टू द पीपल, राइट। ओके, देन अब ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू का कहना, राइट। जवाहरलाल नेहरू का ये एक बहुत ही फेमस स्पीच है ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और उन्होंने क्या कहा था देखते हैं। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विथ डेनेस्टी, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमने बहुत म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमने बहुत साल पहले एक एग्रीमेंट किया था इसके साथ, लोगों के साथ, इंडियंस के साथ, ठीक है। आज वो समय आ चुका है, ठीक है, कि हम अपना प्लेज फिर से दोहराए, जो हमने प्लेज लिया था वो फिर से दोहराए, राइट। नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंसली, हम इस तरह से तैयार करें अपने आप को, ठीक है, कि जो हमने प्लेज लिया है हम उसको पूरा कर सके। एट द स्ट्रोक ऑफ मिड आवर, ठीक है, अभी रात के, ये उनका कहना था कि अभी रात हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, राइट, जब पूरा दुनिया सो रहा है, when the world sleeps, India will awake a life of freedom। इस समय क्या हो रहा है, भारत जाग रहा है, ठीक है, एक आजादी का जिंदगी के लिए, राइट। ए मूवमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, एक ऐसा मूवमेंट जो कि हिस्ट्री में कभी कभी ही आता है, When we step out from old to new, ठीक है, जब हम किसी पुराने चीज को छोड़कर एक नए एरा में एंटर करते हैं, राइट। When an age ends and when the soul of nation long suppressed, ठीक है, आज क्या हो रहा है, एक एज खत्म हो रहा है, मतलब पुराना जो समय है वो खत्म हो रहा है,
और आज हमारा जो देश का जो सोल है, आत्मा जो है, जिसको काफी समय से सप्रेस किया गया था, ठीक है, इट फाइंड अटरेंस, ठीक है, इनको आजादी मिल गई है, राइट और नॉट? इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोलोमन मूवमेंट वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन टू सर्विस ऑफ इंडिया. इस समय हमने क्या करना चाहिए, हम सभी को ये एक प्लेज लेना चाहिए कि हम क्या करेंगे, अपने कंट्री को डेडिकेशन के साथ सर्विस देंगे, राइट? एंड हर पीपल एंड टू स्टिल टू द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता के लिए हम क्या करेंगे, लोगों को सर्विस देंगे, ठीक है. फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. आज हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास आजादी है. कौन बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे 1947. उनका कहना था कि जब फ्रीडम आया है और पावर आया है हमारे हाथ में, अंग्रेजों के हाथ से फ्रीडम और पावर हमारे पास आया है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, ठीक है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सॉवरेन बॉडी. उन्होंने क्या कहा, किसके बारे में बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बोल रहे हैं, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, ठीक है, कि वो इंडिया के लोगों को जो सॉवरेन है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखे. बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव इंड्यूर्ड ऑल दीज ईयर्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट आर हैवी विथ मेमोरीज ऑफ दिस सैरो, राइट. सम ऑफ दिस पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, ठीक है, कि आज जो आजादी मिली है, ठीक है, आज जो हमें आजादी मिली है, ये कई सारे पेन झेलने के बाद मिली है, कई सारा कष्ट उठाने के बाद मिली है, राइट. और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में भी हमें ये दर्द झेलना पड़े, ठीक है. दर्द किस बात का झेलना पड़ेगा, कि अभी हमें कंट्री को और ज्यादा अच्छा सुधारना है, राइट और नॉट? द पास्ट इज ओवर एंड इट इज फ्यूचर दैट बीकन टू अस नाउ, ठीक है. अब हमारा फ्यूचर क्या है, एक उज्जवल भविष्य की तरह हमें दिख रहा है, राइट और नॉट? द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ द केस और रेस्टिंग बट ऑफ इन क्या है, इट इज इनसेसेंट striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken, ठीक है. अब जो हमारा फ्यूचर है ये रेस्ट करने का नहीं है, हमें मेहनत करने का है, ताकि हमने जो प्रॉमिस किया है पहले, राइट, हम उसको पूरा कर सके, ठीक है, या फिर जो आज हम प्लेज लेने वाले हैं हम इसको पूरा कर सके. द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर, ठीक है. इंडिया का सर्विस का मतलब क्या है, कि हम उन लोगों को सर्विस दे रहे हैं जिन्होंने सफर किया है, जो लोग तड़पे हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, राइट. इट ऑल्सो मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस डिजीज इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब ये भी है कि हम काम करेंगे किस चीज के लिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, इग्नोरेंस खत्म करने के लिए और डिजीज खत्म करने के लिए, साथ ही इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए, राइट. द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, who is the greatest man, यहाँ पर महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, of our generation has been to wipe every tear from every eye, ठीक है. हमारे जो greatest man है महात्मा गांधी, उनका क्या vision है, कि जो लोग Indians हैं, जिसके आंखों में आंसू हैं, हर एक आंखों के आंखों से आंसू को पोछना ही हमारा vision है, right? That may be beyond us, but as long as their tears and suffering, so long our work will not be over. उनका कहना है कि हो सकता है कि ये अभी possible नहीं हो कि हर एक लोगों के आंखों से आंसू पोछ, आंखों से आंसू पोछने का मतलब कष्ट को दूर कर सके, इसको करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जितना भी समय लगेगा तब तक हमें क्या नहीं करना है, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट, ठीक है. तो हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम हर एक लोगों के आंखों से आंसू ना पोछते, राइट. सो आप देखो कि तीन लीडर्स के बारे में मैंने पढ़ा अभी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू. तीनों का मानना है कि इस कंट्री से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म होनी चाहिए, राइट, जैसे पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, राइट,
लोगों का सफरिंग खत्म होना चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होना चाहिए, लोगों के बीच सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आनी चाहिए, राइट? ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि किसी तरह का कोई ड्रग्स ना ले, कोई अल्कोहल ड्रिंक ना ले, राइट? तो ये सारी चीजें विजन्स थे लीडर के, और इसी विजन्स को इंक्लूड किया गया कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फिलोसफिकल पार्ट है उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, राइट? जो पहला वाला पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जिसमें कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू लिखा हुआ था, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस बारे में लिखा हुआ है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, या फिर इस कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहती है, राइट? ये सारी बातें शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है प्रियम्बल में। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रियम्बल है द प्रियम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट नेशन, ठीक है, एक परफेक्ट नेशन बनाने के लिए, जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, इंश्योर डोमेस्टिक फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब सॉरी ट्रांसक्वालिटी, ठीक है, लोगों के बीच इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, एक डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए, लोगों का जनरल वेलफेयर, लोगों का मदद करने के लिए, राइट, एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब सभी को आजादी मिले, राइट? देखो यहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं विच इज शोइंग दैट कि हमारा जो सॉरी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें लिखी होगी, उसमें क्या बातें लिखी होगी कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, राइट, सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, राइट, सभी लोगों को एक अच्छा डिफेंस मिले, मतलब लोग अच्छे से रह सके घर पे, राइट, सभी लोगों को वेलफेयर, वेलफेयर मतलब सभी लोगों को अच्छा खाना पीना रहना, है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, ठीक है, लोगों को फ्रीडम मिले, है ना, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ये जो हमारा सॉरी यूनाइटेड स्टेट का जो प्रियम्बल है ये क्या कह रहा है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसी तरह साउथ अफ्रीका का भी एक प्रियम्बल है, राइट? तो आप ये साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है, इसको आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।